हेलो फ्रेंड, ये आलू के पराठा बनाना है। तो ये आधा आलू है, ये प्याज है, ये हरी मटर है, हरा मिर्च, हरी धनिया, ये स्वाद के अनुसार नमक, तो ये धनिया जो सब्जी में डालते, ये गरम मसाला। तो फ्रेंड ये हरी मटर है, तो इसको थोड़ा पहले कुचल लेंगे क्योंकि ये उबली नहीं है, या तो उबाल के या मसल के डालें। तो ये है हरी मटर। फ्रेंड ये अपन अदरक कुचलते ना इसमें, तो अब इतनी जरा सी मटर कहाँ मिक्सी में करेंगे, तो इसी में डाल दी है। अब देखिए ये डाल दी है मटर, ये इसमें ही बहुत आसानी से कुचल जाती है और साफ करना भी आसान था। पानी भर से खंगाल के रख लो, जब बर्तन साफ हो तो साफ कर लीजिए, क्योंकि मिक्सी में जरा सी कहाँ करो, सिलबट्टे में करो तो वो भी फिर पूरा गंदा होता। तो ये देखिए जमीन में रख के कर रहे हैं। उबली मटर हो ना जैसे, अब इतनी थोड़ी सी थी तो जब कभी थोड़ी मटर डालो तो लगता कहाँ उबालो, तो ऐसे ही कुचल के डाल देते, बहुत जल्दी से अच्छी कुचल भी जाती है महीन से। ओके दिखाते हैं, अब ये देखिए फ्रेंड कुचल गई है अच्छे से। तो ये भी आलू में ही डालते हैं, ये है देखिए कितने अच्छे से कुचल गई। जब कभी जैसे थोड़ी सी चीज करना हो तो इसी में ये ज्यादा आसान लगता। अभी स्वाद के अनुसार ये सारे मसाले सब ऐड करते हैं। तो आलू कम ही लिया है फ्रेंड, इसीलिए और चीजें मिला रहे हैं, आलू कम ही लेना है क्योंकि आलू वैसे भी कई जगह खाना हो जाता है अपन का, तभी चिप्स कभी पापड़ वो भी सब आलू के हैं। ये अच्छे से मैश कर लेना है, और चाहे तो इसमें थोड़ा पनीर भी मिला लो तो अच्छा सा स्वाद उसका भी आता है, थोड़ा सॉफ्ट स्टफ लगती है। प्याज कट की हुई है बारीक, कभी कभी तो हम प्याज को भी, अब ये है कि जैसे प्याज कुछ लो अगर इसे अदरक वाले में तो वो साफ से साबुन से भी धो दो, विम से जो भी अपन बर्तन धोते हैं विम से, फिर भी प्याज की स्मेल आती है, इसलिए प्याज इससे नहीं कुचलते, वो तो मिक्सी में सलटते या बारीक काट के ही कर दो, या फिर कस के अगर डाल तो वो पानी निकलता है। ये स्टफिंग बन गई है फ्रेंड, देखिए तो ज्यादा ज्यादा ही भरना है। अब ये हाथ जरूर धुलेंगे क्योंकि फिर गंदे हाथ से मन नहीं करता काम का। तो ये भी धुल लेंगे तो सूख जाता, फिर अच्छे से नहीं धुलता। बनाते हैं ठंड पराठा। ये तवा रख दिया है हमने प्री हीट होने के लिए। अब ये जो आटा माड़ा है फ्रेंड, ये देखिए जो आटा माड़ा है, ये पराठे का जैसा अपन आटा मारते हैं उसी तरह है, और बहुत गीला नहीं बहुत कड़ा नहीं, देखिए ये ऐसे है। हल्का सा नमक डाला है क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है, तो ये आप रिफाइंड में देसी घी में जैसे भी बनाना चाहें, तो फ्रेंड ये देसी घी में ही बनाएंगे। तो ये बनाते हैं लोइया। अब आजकल सभी के घरों में देसी घी बनता है मलाई से, तो पराठे वगैरह हुआ जैसे दाल फ्राई करना है तो भले ही कम यूज किया है, क्योंकि मोटापा भी प्रहर के लिए कौन से रहते अपन लोग, पर ये देसी घी ज्यादा अच्छा है रिफाइंड से। तो जो भी आप लगाना चाहें, रिफाइंड ऑयल घी की मस्टर्ड ऑयल में ही है कि थोड़ा स्मेल सी आने लगती है, तीखा सा होता है।
जिस साइज के पराठा बनाना हो तो आप वही कर लें। हाथों में थोड़ा परथन लगा लें क्योंकि परथन से ही बेलेंगे अपन पराठा। ये देखिए जैसे और पराठों में करते ना ऐसे थोड़ा कटोरी जैसी ऐसे गोल सा। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे, अच्छे से भर लीजिए स्टफिंग, स्वाद अच्छा आता है। जितना अच्छा भरेंगे अपन स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए जितनी बन जाए भरते, लेकिन उतना भी नहीं कि बने ही ना भरते, तो ये काफी है। फिर देखिए अंगूठे से दबाते जाना है, जब दबा देंगे स्टफिंग फिर ये चारों साइड से चुन्नट जैसी बना के, जिस स्टाइल से भी आप लोग करती हो, लेकिन इसको अच्छे से कवर कर लेना कि खुले ना। चाहे अपन कचौड़ी बनाए पराठा जो भी हो, लेकिन इसको देखिए ऐसे दबा देना है। अब बेलते हैं, गैस को तेज करते हैं, हाई फ्लेम पे ही है गैस अभी, क्योंकि अभी अभी तवा रखा, थोड़ा गर्म हो जाएगा तवा, चमचा दो नहीं तो गर्म हो जाएगा। भले ही थोड़ा पराठा में निकली दिखती रहती है, लेकिन ठंड स्वाद अच्छा आता है। और अगर कम स्टफिंग भरो तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये फ्रेंड डाल रहे हैं हम, ये और बनाते हैं हाई फ्लेम पे ही गैस अभी। फ्रेंड हमने सोचा कई तरह से तो पराठे बना के, लेकिन हमने कहा जी आलू किसी में हमने कभी मिक्स नहीं किए थे पराठों में, तो हम कहा जी आलू का ही करते हैं। सोचा तो था पूरा आलू आलू का बना ले, लेकिन फिर वो डर लगने लगता क्योंकि जब हम लोग खाएंगे फिर बनाएंगे तो फिर आलू सभी को कमी खाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी अपन को आलू खाना ही पड़ता है कई तरीके से। समोसे कभी होंगे तो आलू हो ही जाता है, कभी डोसा का है तो आलू खाओ, इसलिए जहाँ बच सकता है तो वहाँ बचा लेना चाहिए। आलू का आलू आलू हुआ, ये देखिए अच्छे से भर गई ये स्टफिंग सभी लोग को। ऐसे ही करते हैं आलू के पराठे तो सबसे आसान रहती है फ्रेंड आलू, लेकिन उसमें थोड़ा ये सब मिला दो भले ही थोड़ा टाइम लग जाए तो ये टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए पलटती आया है, अब जब थोड़ा शेक सा जाए तब ऑयल लगाएं, लेकिन ऐसे ऑयल नहीं कि अपन ने डाला और शुरू कर दिया ऑयल लगाना। जैसे ये है और फ्रेंड कम कम ही स्वाद अच्छा आता है, कम लगाने में भी स्वाद वही आता है। अब डीप फ्राई में तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कम से कम थोड़ा कम भी लगा ले तो अच्छा रहता। ये है अब स्टफिंग निकली है बाहर, लेकिन निकली रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस सेकना अच्छे से है। अब सेकने लगा है, अब थोड़ा मीडियम कर दिया है फ्लेम, हाई मीडियम लो अपने हिसाब से आप करते रहे, क्योंकि कोई भी पराठे ना फ्रेंड अंदर अच्छे से सिकना चाहिए, और हाई फ्लेम में बाहर से तो देख रहे हैं सिक गया, लेकिन अंदर अच्छे से सेकना है। ये देखिए अपने अनुसार घी तेल लगाए आप, जैसे भी जैसे ज्यादा अच्छा लगे तो ज्यादा लगा लें, क्योंकि ज्यादा वाला तो
त्योहार है तो अभी अपन को डीप फ्राई खाना पड़ता कुछ ना कुछ। पूजा के लिए व्यंजन बनाते ही ऐसे तो हो जाता है काफी। मीडियम पे ही है गैस। ऐसे दबा के चमचा से ऐसे तवा गरम होता है तो अंदर अच्छे से सिक जाता है ऐसे दबा के। जैसे कुछ स्टफिंग लग जाए तो हटा दीजिए तवा से, तवा क्लीन रहे। फिर हाई कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे ही है अभी। पलटाते हैं इसको, जब थोड़ा सिकने सा लगता है तभी पलटा है। जब थोड़ा सिक जाए पलटा तो नहीं बन जाता अच्छे से। और घी वगैरह जो भी आप लगाए चमचा में जरा से टच कर लो, देखिए ऐसे नहीं मतलब भर के बहुत ज्यादा डल जाता है, बस टच किया और घिस दिया चमचा तो लग जाता पूरे पराठा में। देखिए पलट रहे हैं, ज्यादा स्टफिंग भर दो तो भले ही थोड़ा बहुत चकले में लग जाए या इसमें तवे में तो वो हटा दीजिए आप चम्मच से या ऐसे चमचे से। अब सिकने लगा मीडियम और लो पे ही करें, बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है गैस का। अब जैसे यहाँ कम लग रहा है तो थोड़ा और लगा दें, लेकिन पहले से ज्यादा नहीं लगाए, सही है इतना बस। तब ये निकालते हैं पराठा। तो फिर निश्चित तरह से सारे पराठा सेंक लेंगे, ये भी सेक गए हैं सारे पराठे सेक गए। जिस हिसाब से भी आप ऑयल चाहे लगा सकती है और बाकी नमक और मिर्च अपने अनुसार भी डालें। तो पराठे हो या कोई भी रेसिपी हो जैसे बच्चे नहीं मिर्च खाते हैं तो ना डालें। ये भी सेक गया। तो फ्रेंड ये पराठा जैसे चटनी के साथ अचार के साथ ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब्जी तो खुद ही भरी है उसके अंदर। तो अपन लोगों ने जो भी अचार डाले या पिछले अचार रखे रहते हैं तो उन्हीं के साथ सॉस वगैरह साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जब अचार वगैरह चटनी हो तो सॉस प्रिजर्वेटिव भी, सॉस भी अच्छा लगता है स्वाद में। तो ये बंद करते हैं आप गैस, दोनों साइड दबा दबा के अच्छे से सिक गया। ऐसे करने से अंदर अच्छे से सिक जाते पराठे, थोड़ा ऐसे ऐसे चमचा करने से। निकालते हैं ये, तो ये फ्रेंड पराठा बन गए हैं कुछ अचार वगैरह उसके साथ साथ। तो सूखे पराठे अच्छे भी नहीं लगते। जैसे फ्रेंड आम का अचार हो, अब ये तो हमारा पुराना वाला ही पिछले साल रखा था तो ये आम के अचार के साथ भी अच्छे लगते हैं। नींबू का हो जो भी अचार हो, अभी आप लोगों को उसमें गाजर गोभी का डाला था ना मिर्च वगैरह का, तो उसमें भी अच्छे लगते हैं।
अचार की बात आई तो आप ये अचार एक आध रख लें जो बच्चों की जैसे पसंद होते हैं। तो जो भी आपके अचार हो घर में एक प्लेट पर लक्ष्य रख लिया करिए। तो वही अचार ये करौंदे के हैं जो करौंदा आते ना बरसात में, तो ये करौंदे का है। इनको फ्रेंड धूप दिखाई थी सबको दो दिन से, रोज पिछले साल के जो बचे थे अचार तो रोज धूप में रख रहे दो दिन से ऊपर कपड़ा बांध के। चलो आपको आज बात आई अचार की तो इसी वीडियो में दिखाते हैं। ये डिब्बे में फ्रेंड जैसे पिछले साल की कुछ दाल वगैरह रखी हो काफी दिनों की, तो वो अगर धूप दिखा के रखे तो वो सब सही रहते हैं, कोई ऐसे खराब नहीं होते। आलू वगैरह का तो आपको अचार डाले था, गाजर गोभी का ये पिछले साल वाले जो अचार है वही निकालते हैं। तो धूप दिखाते अगर मान लीजिए वैसे जरूर हो जाते हैं काले से, लेकिन ये स्वाद के भी अच्छे रहे तो खराब नहीं होते हैं। जैसे ये है ये नींबू का है, अब ये दूसरे डब्बों में भरेंगे थोड़े थोड़े से बचे हैं। तो ये फ्रेंड पराठे देखिए अच्छे से स्टफिंग है दिख रही सब में, जैसे मिर्च का चार ये सब पिछले साल वाले चार थे। तो फ्रेंड इनको धूप जरूर दिखा दें, कोई भी अचार हो तो देखिए अच्छे ही रखे रहते हैं। पहले भी धूप दिखाई थी सर्दियों के पहले, साल में कम से कम दो बार धूप जरूर दिखा दें आप अचार को तो खराब नहीं होते। और ये देखिए पराठा अच्छे से स्टफिंग भरी है, पूरा पराठा जहां भी आप खोले पूरे स्टफिंग दोनों साइड से सिक गया है अच्छे से, स्टफिंग अच्छे से भर दी है। जैसे भी आपको बच्चों को अच्छी स्वाद लगे तो चटनी और जैसे भी। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड। अब जब अचार की बात आई है तो यही बताते हैं कि जैसे कोई भी आपके अचार अगर पिछले साल के रखे हो तो वैसा थोड़ी कि वो सब फेंक देंगे, अभी नए अचार भी डलेंगे आम वगैरह के, तो सबको धूप जरूर दिखा दें। और जब भी धूप दिखाए जैसे ये देखिए जैसे ये डिब्बे हैं फ्रेंड, तो इनके ऊपर एक कपड़ा एक चलो शिप बताते हैं फ्रेंड। ये जैसे है अचार कोई भी ऐसे डिब्बों में ये अचार रखते हैं सब लोग, तो ऊपर से कपड़ा या कोई रुमाल बांध दीजिए कॉटन का, फिर धूप में रख दीजिए। तो कम से कम एक दिन भी 24 घंटे के तो 10 बजे आप रखेंगे 5 बजे तक धूप रहती है, उतनी धूप काफी है, लेकिन तेज हो अच्छी धूप हो तभी रखे हैं। और फिर इन डब्बों से अब ये पहले के डिब्बे हैं तो ये, लेकिन देखिए धूप दिखाते रहो तो ये सब अच्छे रहते हैं। फिर दूसरे डिब्बों में साफ डिब्बों में गीले ना हो डिब्बे, वो डिब्बे भी अच्छे से पोंछ के पंखा में सुखा के फिर दूसरे डिब्बे में रख लें अचार, तो ये सब बहुत दिन तक चल जाते, कभी कोई खराब भी नहीं होते हैं। ऑयल वगैरह भी ऐसे अचार में डालते हैं तो थोड़ा ठीक अपन डालते ही हैं, बहुत कम भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड ये देखिए सब काले से जरूर लगने लगते हैं, जैसे ये नींबू का था खट्टा मीठा, लेकिन इसमें भी धूप दिखाई। और जो आपकी दाल वगैरह रखी हो चने हो कुछ भी चावल में, तो आप अगर लौंग डाल देना तो वो खराब नहीं होते। और जैसे गेहूं है, गेहूं भी हम स्टोर करते हैं फ्रेंड, अभी अब ऐसे मुंह से ही बता रहे हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगता कहाँ तक बनाओ। तो फ्रेंड जैसे आप गेहूं स्टोर करेंगे तो जिस ड्रम में आपको गेहूं रखना है तो पहले तो उस ड्रम को अच्छे से साफ कर लीजिए कपड़े से पोंछ के, और फिर बाकी धूप दिखा दीजिए। जैसे लंबे होते हैं ड्रम हाथ तो जाता नहीं, तो किसी डंडे वगैरह से कपड़े को लपेट लीजिए फिर अच्छे साफ करके फिर धूप दिखा दें ड्रम को। और जो नीम की पत्तियां होती है, नीम की पत्ती पहले जैसे कल गेहूं रखना आपको तो आज पंखे में नीम की पत्ती सुखा लें, सुबह रख दे 5-6 घंटे में ही थोड़ा सूख जाती है, पानी से ना धोए एक कपड़े से पोंछ दे वो नीम की पत्ती, तो वो गीली सी नीम की पत्ती पहले ड्रम में बिछा दें अच्छे से, जो ब्रांच होती है ना जो लगी होती पत्ती वैसे ही बिछा दे, उसकी पत्ती ना तोड़े अलग से, तो नीचे भी बिछा दे। फिर आप गेहूं की बोरी रखेंगी तो बोरियों के ऊपर भी वो नीम की पत्ती जो आपने मंगवाई है
वो नीम की पत्ती ऊपर भी बिछा दें ड्रम के, और साइड में भी जो जगह जहाँ दिख रही है के बोरियों की साइड में, तो वहां भी नीम की पत्ती के डाल दें, तो वो गेहूं ठंड हम ऐसे ही स्टोर करते, कभी खराब नहीं होते। तो अब रखेंगे, तब आप देखेंगे, बताएंगे वीडियो में भी। तो फ्रेंड ये सब चीजें है ना जो अपने किचन में होती हैं, इनका रख रखाव भी बहुत जरूरी रहता। जैसे छोले हैं, मटर, कोई भी चीज आपके यहाँ अगर इतनी ज्यादा रखी है कि अभी तुरंत नहीं एक आध महीने में खत्म होना है, तो आजकल धूप आ रही है तो हर चीज को आप धूप दिखा दें, प्लेट थाली में, सूखी प्लेट थालियों में, और कपड़ा से कवर करके, कोई भी पुरानी चुन्नी वगैरह हो, क्योंकि धूल उड़ती है ना बाहर, तो और मिक्स ना हो जाए। तो ये सब पराठा देखिए फ्रेंड अच्छे से सेक गए हैं सारे पराठे। ये देखिए स्टफिंग, ये खोल खोल के देखिए कितनी सारी स्टफिंग भरी है, अभी स्वाद अच्छा आता है इनका। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।